कोरोना ने यूपी वालों का दम फुला रखा है। अस्पताल फुल, ऑक्सीजन लापता, कालाबाजारी की शिकायतें, अफसर गायब, फोन व्यस्त, व्यवस्थाएं पस्त, टोपियां घूम रही हैं, नोडल अधिकारी सीएमओ की तरफ टोपी बढ़ा रहे हैं, सीएमओ साहब मजबूरी समझा रहे हैं, सीएमओ साहब कह रहे हैं नोडल अधिकारी फोन, नोडल अधिकारी कह रहे हैं सीएमओ साहब को नहीं, नहीं। एसीएमओ ने बताया है कि मंत्री अतुल गर्ग भी बेबस हैं। बेड खाली है किसी हॉस्पिटल में? किसी में खाली नहीं, मंत्री जी खुद तरफ रहे हैं। अच्छा, कौन से मंत्री जी? अतुल गर्ग जी। इन सब के बीच यूपी के जिम्मेदार विधायकों की भी खोजबीन चल रही थी, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर लोग आम लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे तो यह साफ है कि जनप्रतिनिधियों पर भरोसा खत्म हो गया है। लापता सुविधाओं के बीच मंत्रियों के साथ भी लापता जुड़ गया। खैर, अब लापता लोग बाहर आकर जनता को धमकाने लगे हैं, फीता काटकर राजनीति चमकाने लगे हैं। अरे साहबों, यह वक्त नहीं है इन बौने कामों का। अभी ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था कराइए, लोगों की जान बचाइए, अफसरों को समझाइए कि फोन रिसीव करें। आपको पता है कि कानपुर या वाराणसी में कितने लोग होम आइसोलेशन में हैं? इलाज की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है? जरा देखिए इन जरूरतों को। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। वाराणसी में टीका अभियान का कार्यक्रम रखा गया। लोग चिलचिलाती धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लाल फीता मंत्री जी का इंतजार कर रहा था। मंत्री रविंद्र जायसवाल पहुंचे, जनता ने सवाल पूछ लिया तो मंत्री जी ने दौड़ा लिया। अब अगली तस्वीर देखिए, यह कानपुर नगर की है। मरीज अस्पतालों के बाहर तड़पते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती, मजबूरन वापस घर लौटना पड़ता है, लेकिन इलाज नहीं। फिर भी मंत्री सतीश महाना पूरे प्रोटोकॉल के साथ फीता काटने पहुंचे हैं। फीता काटिए, होल्डिंग्स, फ्लैग्स सब चमका दीजिए, बस जान बचा लीजिए। सोशल मीडिया पर लोग मदद मांग रहे हैं, उनकी ओर निहार लीजिए।